मैं जब एक्टर नहीं बना था मैं इक्कीस बाईस साल का था जब भी सपना था अभी इक्कीस बाईस का अर्जुन और आज थर्टी सेवन का अर्जुन फिफ्टीन ईयर्ज हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज नो सो दैट सेम स्टोरी दट आई थॉट एट ट्वेंटी वन इज नॉ गुड अपील टू मी एंड नो स्टोरी इज कम टू मी दैट मेक्स मी फील लाइक दट राइट नाउ सो आम वेटिंग एंड लेट लाइफ हैपिन something will trigger and then i'll take up that decision to direct but production is something i'm looking at doing hopefully soon i think that that's the right time for me to start exploring that Camera बहुत uh, सब कुछ आपका देख लेता है सच्चाई सच्चाई झूठ सब कुछ देख लेता है And क्योंकि ये लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं इनको आपके अंदर का सब कुछ दिख जाता है कि आपने चोरी की है या आपने ऑनेस्टली परफॉर्म करा है, या क्या किया सो so, uh, whenever you get directed by such people आपको एक अंधा भरोसा होता है that that hey, I'm 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 care of of call out my lie if if I'm lying in front of the camera hi dosto, I'm Arjun Kapoor. hi I'm Madan. hi धिका मैन आसमान शेयर शेख और मेरे साथ में आज है कुत्ते की टीम वेलकमिंग अर्जुन कपूर राधिका मैदान एंड आसमान ऑन मिर्ची plus थैंक यू

तो मूवी का नाम कुत्ते क्यों रखा गया था टाइटल क्योंकि क्यों बाप ने कवि ने बना दी थी तो इन्होंने बोला अरे यार कवि ने तो यूज हो गया कुत्ते बेसिकली नहीं वो एक्चुअली इसका लेना देना है फिल्म से काफी स्टोरी से मैं नहीं कहूंगा लाइक सब टेक्स्ट में काफी है फिल्म के फिलोस, फिलोसफी में है फिल्म के और एक नज्म है फैज अहमद फैज की गलियों के आवारा बेकार कुत्ते वो फिल्म में भी है नहीं पर तुमने एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी आज ना कि अगर आप रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो क्या होता है हाँ मतलब वो वो सबटेक्स्ट में ही जो होता है कि आ, सारे कैरेक्टर्स में क्वालिटी स्ट्रेट्स हैं कुत्तों की जैसे हर इंसान में होती है और हर इंसान मतलब वो भी बीइंग है कुत्ता भी बीइंग है हम भी बीइंग हैं हम सबके इमोशंस लाइक जब आपका अगर पेट है आपको पता चलता है कि वो समझ रहा है आपको दैर इज अ रीज़न फॉर दैट हम सा हम भी जानवर ही हैं हम सिर्फ बोल पाते हैं और हम अपनी भाषा समझ पाते हैं वो भी शायद जब बोलते होंगे भोंकते होंगे वो अपने आप को समझ पाते होंगे हु नोज हमें नहीं पता बट लेना देना बहुत है फिल्म से एंड इसकी जो मेन जो है जो ये लड़ रहे हैं आपस में जो ट्रेलर में आया था कि सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो एक कुत्तों के बिहेवियर से मैंने किया था कि आप जाएंगे उनके बीच में पांच छह कुत्ते होंगे गली से आप मोहल्ले में अपने गए और वहां के दस उस खाने के लिए और चाहे आप एक, एक को फीड करने जाओगे वो दूसरे के लिए आएंगे hmm. कि नहीं तूने उसको कैसे दिया मैं मुझे भी चाहिए hmm. तो दैट दैट उसकी वजह से मैं बोलूँगा कि बहुत इट्स इन नोट अब आप शायद कोलैब करोगे यू नो विथ योर फादर जिसका नाम मैं तेरा खून पी जाओ का हो <laughs> तो सकता है कमीने में तेरा खून पी जाओ हाँ बिल्कुल <laughs> शायद से ट्राई करेंगे देख मैं जोक दो बट यार <laughs> शायद से नहीं शायद से शायद, शायद से गुड <laughs> वन <laughs> But well, Arjun, you know, uh, you always wanted to be a director. Yeah. After you know, seeing the kind of directors have been evolved, do you wish to now, you know, change, you know, from acting to direction by any chance? See, it's inevitable. Kabina Karunga, I, I I do not know when and how, and I don't want to put a timeline on it because unfortunately with COVID, we lost out on a bit of time. Otherwise I would have been a little more clear. Katana, when you make plans, then God laughs at you and says, haha. And changes everything. So, I just want to go through the journey and flow and see where I land. But definitely, filmmaking has always excited me. So, whether it is producing, directing, or acting, I think I would like to find that nice balance of doing all those things. I think just the creative process of watching a film being made for me is the most joyous experience in the world. I am keen to direct, but I think that story really has to hit home with me. I think I've changed in the last. <coughs> मैं जब डायरेक्ट एक्टर नहीं बना था मैं इक्कीस बाईस साल का था जब भी सपना था अभी इक्कीस बाईस का अर्जुन और आज थर्टी सेवन का अर्जुन फिफ्टीन ईयर्स हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज नो सो दैट सेम स्टोरी दट आई थॉट एट ट्वेंटी वन इज नॉ गुड अपील टू मी एंड नो स्टोरी इज कम टू मी दैट मेक्स मी फील लाइक दैट राइट नाउ सो आई एम वेटिंग एंड लेट लाइफ हैपन Something will trigger and then I'll take up that decision to direct. But production is something I'm looking at mm -hmm. doing hopefully soon. I think that that's the right time for me to start exploring that. What about you, Radhika? You, you know, recently said that you know, Vishal Bharadwaj, when you have worked, you, know, you, you have evolved as an actress and he has always told you to stay true to, to your character. After working with Asman, what did you learn? Oh, he's from the same school. But he, like right now, Asman is really ambitious, he has this energy.

that hey, I'm, I'm taken care of. They're gonna call out my lie if, if I'm lying in front of the camera. To all three, aapke liye ki kaun si film, which was Vishal Bharadwaj's favourite film If you have to like, talk about I'm it. I'm sure, Makbul, a without any conversation, where Vishal is concerned, personally, I have to say Kamine influenced me a lot, because it came at a time where I was aspiring to join the film industry. And, um, to see such, such a front-footed, entertaining film coming with, completely against the rules and grains of the quintessential entertainers. And and after Omkara for a director to come out, I think Omkara ke bad Kamine thi? Hmm. To, to be able to do that, I was just in awe of the fact that, that because there's a lot of craft and and technique needed to make capers. Hmm. Uh, writing and then execution and the balance of humor and the violence and the and the absolute kinetic energy because capers are like you need to under, and that is not a very easy skill. And I'm a huge lockstocker to smoking barrels uh, mm -hmm. fan. So for me, Kamine just stands out. I love, I think I was very partial <laughs> to doing Kutte also because I was such a big fan of Kamine. What about you, Radhika? Magbool. Uh, Magbul, I, I still remember the climax of life The chemistry that Irfan sir and the Bumam had, the mirror shot in the end, and that dialogue. Um, that, um, that, that. that, that, that घर पर काफ़ी वो हुआ है आर्गूमेंट के पापा को पापा को हैदर उनकी बेस्ट लगती है मुझे मकबूल बट आई अंडरस्टैंड वाइस डरेक्टोरियली हैदर इज डेफिनेटली बैटर बने भी कितने सालों बाद है बट जो मकबूल में जो टबू मैम और इरफान सर ने किया है वो मतलब

Ова е молдите, касаме, дека тоа касаме, го чини како тоа.

अजगर इज उसका नाम ही था स्नेकॉज हाँ। वो कब आपको आके डस ले गलत गलत सवाल पूछ के 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 कुछ बोल के, जान के चले जाता तो उसकी बहुत पुरानी आदत है वो एकदम गलत वक्त पे आके गलत सवाल या गलत जवाब देके गलत चीज कहके निकल जाता है तो उसको हमेशा हम अजगर जोर बोला देते तो कुत्ता भी वही हो सकता है इस वक्त लाइफ में भेड़िया तो बन ही चुका है कुत्ता भी बन सकता है हर चीज के लिए मैं uh, पार्ले जी लाना सलाह <laughs> मुझे तो I don't know मैं तो अभी घुसना इंडस्ट्री में oh है जवाब मुझे नहीं। देना नहीं चाहिए <laughs> <laughs> मुझे ऐसा जवाब <laughs> देना <laughs> नहीं कोई <laughs> नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> कोई भी नहीं <laughs> पास <laughs> पास ठीक है आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिस पर आपको ऐसे लगा कि आपने कुत्ते जैसे काम किया है मैं हर फिल्म में यार मतलब वरना प्रॉब्लम हो जाती है कुत्ते में कुत्ते जैसा काम किया हमने बट आई थिंक आई से जस्ट पीरियड फिल्म जहाँ पे पानीपत वी शॉट इन द समर ऑफ मुंबई 40 डिग्रीज हीट विद द आर्मर वॉर सीक्वेंसेस थिंक

मेरे सारे हैं और वो अच्छे भी हैं बुरे भी वो आप <laughs> वो खुद सोच सकते हैं कि मैंने बुराई की है अच्छा ही और मेरी प्यारी ही दोस्त है खुद तो मैंने प्यार प्यार से बोला अगर सामने आए वाटिंग आई लव यू यार शी अंडरस्टैंडिंग सम तुम आ जाओ फिर कुछ और बोलने वाले आपका फेवरेट कुत्ते का ब्रीड कौन सा है मतलब

मैं डबल ढोल की वैसा हूँ नहीं तो आई थिंक आई हैव बीन दैट वे विद एवरी रिलेशनशिप और कई बार बात भी करना पड़ा हो आपको वो तो मैं रोज करता हूँ सुबह उठ के सुबह सुबह मत मिला करो मुझसे मैं बहुत बड़ा कुत्ता हूँ सुबह सुबह मेरा कुत्ता भी मुझे सुबह नहीं मिलता नो नो आई आल्सो फील द सेम लाइक आई एम प्रीटी लॉयल एंड क्लियर चीजें पसंद है क्लीन चीजें पसंद है एंड दैट इज इट व्हाट अबाउट यू आसमान ऐसा कोई कुत्ते जैसा रिलेशनशिप जुड़ा है एकदम इंटेंस लॉयल The, the the good points of kutte basically hmm yeah ha sabhi things who ends up by sare basically main bahut loyal rehta hu to very good thank you